जय श्री राम प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार: प्रभु की सबसे अच्छी प्रार्थना तब होती है जब हम प्रभु की अच्छाइयों की अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। मेहनत मेरी, रहमत तेरी का भाव रखने वाले ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। दवा के साथ दुआ और क्रिया के साथ कृपा हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078, मास मार्गशीर्ष पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी वार मंगलवार, नक्षत्र हस्त, योग आयुष्मान, राहुकाल 14:47 से 16:05 तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक है। दिशा शूल उत्तर। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपके लिए यात्रा लाभदायक रहेगी। छोटे व्यापारियों को आज नकद धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को आज अपने गुरुजनों से सलाह मशवरा करके ही किसी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। आज सायंकाल के समय आपकी किसी योजना की पूर्ति होने से आपके मन में हर्ष रहेगा। आज दोपहर बाद आपकी किसी उच्च अधिकारी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ अंक 9। शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय: कांसे का कड़ा पहनना सेहत के लिए लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि: आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आप अपने कौशल से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आज किसी व्यापारी या अधिकारी से आपकी अनबन हो सकती है। विद्यार्थियों को नया कानून ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होगा, लेकिन आज आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा क्योंकि उसमें गिरावट आ सकती है। समाज में आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ अंक 8। शुभ रंग काला और नीला। उपाय: 9 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन सामग्री बांटने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा। मिथुन राशि: आज का दिन राजनीति की दिशा में जो लोग कार्यरत हैं उनके कार्य में कुछ गिरावट आ सकती है जिसके कारण परेशानी रहेगी। आज आपको अपने भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। सायंकाल के समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। आज आपको अपने किसी परिजन व रिश्तेदार को धन का लेन देन करने से बचना होगा, नहीं तो इससे आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। शुभ अंक 6। शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय: अपने चरित्र को सदा बेदाग रखना आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। कर्क राशि: आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है।
नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी और कुछ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मन को शांति मिलेगी। व्यापार कर रहे लोगों को साझेदारी का सहयोग मिलेगा। आज कार्य क्षेत्र से अत्यधिक श्रम के कारण सायंकाल के समय आपको थकान का अनुभव होगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन क्रोध की वजह से आपको अपनी छवि को खराब नहीं करना है। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय: आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सूर्य चालीसा व आरती पढ़ें। सिंह राशि: आज का दिन आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। आज आपको संतान पक्ष की ओर से भरपूर सुख व संयोग दोनों मिलेगा। यदि आज आप किसी वाहन संबंधित कोई सौदा करने जा रहे हैं तो उसमें किसी सदस्य से सलाह मशवरा अवश्य लें। व्यापार में आज आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि परिवार में कोई कलह उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आज आपको परिवार के सदस्यों की बातों को समझने का प्रयास करना होगा, तभी आप अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय: अपने प्रेमी व प्रेमिका से मिलने से पूर्व शहद खाकर निकलें, इससे लव लाइफ बढ़िया रहेगी। कन्या राशि: आज का दिन आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, जिसके कारण आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सफल भी अवश्य होंगे। आज आपको अपने भाइयों से किसी वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज के दिन अपने किसी सहयोगी के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है। समाज में आज आपकी मानदेय में वृद्धि होगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफेद। उपाय: पांवों के दोनों अंगूठों पर काला व सफेद धागा मिलाकर बांधने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुला राशि: आज का दिन आपके सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि का दिन है। आज आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग व सानिध्य भी मिल सकता है। आज आप अपने बढ़ते खर्चों के कारण परेशान रहेंगे। यदि आज किसी यात्रा पर जाना पड़े तो वहां सावधानी पूर्वक जाएं। आज आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों का भी खास ध्यान रखेंगे, जिसके कारण परिवार में प्रेम की भावना बनी रहेगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय: केसर का तिलक लगाएं, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। वृश्चिक राशि: आज का दिन आपका परोपकार के कार्यों में व्यतीत होगा। आज आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में व्यतीत करेंगे। इस संबंध में आज ऑफिस में कार्य करने वाले लोगों का मूड खराब हो सकता है, जिसके कारण वह परेशान रहेंगे। सायंकाल के समय आप अपने परिवार के सदस्यों को देव दर्शन की यात्रा पर लेकर जाने का प्लान बना सकते हैं। आज आप कुछ निवेश भविष्य की योजनाओं पर भी व्यय करेंगे। विद्यार्थियों को आज अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय: चांदी की चूड़ियां या कड़ा धारण करने से प्रेम संबंधों में वृद्धि होती है। धनु राशि: आज आपको चारों ओर का वातावरण अशांतिपूर्ण रहेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। आज कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनमें आप अपने क्रोध पर काबू रखने में असफल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है व अपने मधुर व्यवहार को बनाए रखना है। आज आपके मित्रों की वजह से कुछ नए संपर्क बनेंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जो लोग विदेशों से कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय: प्रेमी व प्रेमिका को पीले वस्त्र भेंट करने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मकर राशि: आज का दिन आपके व्यापार में अचानक से कोई ऐसी डील फाइनल होगी जिससे आपको लाभ थोड़ा कम होगा। यदि आज आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो उसमें टेंशन बिल्कुल ना लें। यदि आज व्यवसाय में निवेश करने का मौका मिले तो दिल खोल कर करें। नौकरी कर रहे जातकों को आज आमदनी के कुछ नए स्रोत प्राप्त होंगे। आज आपको अपने किसी दोस्त के द्वारा किसी निवेश की स्कीम का पता चलेगा, लेकिन आप अपने पिताजी से सलाह मशवरा करके ही निवेश करें तो ही बेहतर होगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय: किसी जानवर को अकारण कष्ट ना दें और ना ही कभी जीव हत्या करें। वह शाकाहार को अपनाने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि:
आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज संतान को नौकरी में किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपके मन में हर्ष होगा। लेकिन यदि आपको कोई बीमारी भी हो तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो भविष्य में वह कोई भयंकर बीमारी का रूप ले सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको अपने द्वारा किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। आपके जीवन साथी की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिसके कारण आपका प्यार और गहरा होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय: सोने की चेन जो पेट तक स्पर्श करती हो को धारण करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। मीन राशि: आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा। आज आपको अपने शत्रुओं के कारण कोई गलत जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि किसी व्यवसाय को आज साझेदारी में करेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आज आपकी मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेल मिलाप में व्यतीत करेंगे। यदि आज परिवार के किसी सदस्य से कोई कहा सुनी हो तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय: चावल या चांदी माता से लेकर अपने पास रखना आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।